साथियों सभी को नमस्कार। क्यों है पेंडिंग सभी बैंकों में नवंबर 2017 से 12 लाख बैंक कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी? क्या सिर्फ हड़ताल इसका समाधान है? क्यों बीपीएस के भरोसे ही बैंक कर्मियों की तनख्वाह निर्धारण ही बेस्ट ऑप्शन है? हड़ताल कभी भी बैंकर्स की पहली चॉइस नहीं हो सकती। जब बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर मजबूर होते हैं और उन्हें कोई विकल्प दिखाई नहीं देता तो बैंक कर्मी अपने व अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए हड़ताल करते हैं, धरना करते हैं और सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और साथ ही साथ अपनी तनख्वाह भी कटवाते हैं। हाल फिलहाल बहुत बुरे हालात हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सी असमानताएँ हैं, अगर हम गिनवाने लगें तो बहुत समय लग जाएगा। फिर भी आप कुछ असमानताएँ तो सुन ही लीजिए। अन्य विभागों में लंच के बाद कोई नहीं मिलता और ग्राहक ऐसे विभागों में जाते हुए भी कतराते हैं, पर बैंकों में समय खत्म होने के बाद भी आने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि बैंक वाला रात के 9 बजे तक भी बैठा रहेगा, इसलिए काम तो करेगा ही। जहां अन्य विभागों में एक कार्य के लिए कई कर्मचारी नियुक्त हैं, वहीं बैंकों में 206 कामों और उससे ज़्यादा रजिस्टर मेंटेन करने के लिए मात्र एक ही आदमी आपको मिलेगा। जहां लोगों को छुट्टियों में घर जाने की इजाज़त है, वहीं एक बैंक कर्मचारी उस दिन कोई ना कोई मीटिंग रख दी जाती है। जहां अन्य विभागों में ग्राहक लंच कराने को अपना धर्म समझता है, वहीं बैंक कर्मचारियों को लंच क्यों कर रहे हो इस पर भी सवाल पूछा जाता है। जहां लेट से आना और जल्दी जाना उनके कद को बढ़ाता है, वहां रात दिन एक करके काम को करते रहने पर भी रविवार को आने पर भी उसका दिल भी नहीं पसीजता। जहां हर लोकल मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खेलकूद में क्या हो रहा है सब कुछ चाय के प्यालों से पता चल जाता है, वहीं बैंक में काम करने वाले के साथ कोई हादसा भी हो जाए तो उस पर कोई चर्चा भी नहीं होती। जहां नीरव अंबानी अडानी की कोठी में जाने के लिए भी अपॉइंटमेंट न मिलता हो, वहीं बैंक का एक चपरासी, क्लर्क और डिप्टी मैनेजर उसे मिलकर करोड़ों रुपए की मिलीभगत करके लोन पास कराने और एनपीए बढ़ाने का आरोप भी लगाया जा सकता है। जहां अन्य विभागों में काम कराना ग्राहक की मजबूरी होती है, इसके लिए वो भरपूर समय और पूरा सुविधा शुल्क भी देने को तैयार होता है, वहीं बैंक में अगर गैस की सब्सिडी भी बैंक खाते में नहीं आती तो बैंक मैनेजर पर चोरी का आरोप भी लगाया जा सकता है। जहां एक छोटा दुकानदार भी नए साल पर डायरी कैलेंडर देता है, वहीं बैंक वाला अपने पैसों से दुकान से डायरी खरीदकर बैंक की इज्जत को ढकता है। जहां 10 साल पर वेतनमान सीपीसी होता है, वो भी बिना किसी स्ट्राइक के, बिना किसी मीटिंग के अपने निर्धारित समय से लागू हो जाता है, वहीं बैंक में 5 साल में लागू बीपीएस के अंतर्गत 35 मीटिंग और न जाने कितनी बार स्ट्राइक के नाम पर पैसों को कटाने के बावजूद 30 महीने से ज्यादा वेतन वृद्धि को रोका जा सकता है। जहां अन्य विभागों का वेतन सम्मानजनक होता है बिना किसी मंथली यूनियन चंदे के, वहां बैंक कर्मचारियों का हर महीने चंदा कटवाने के बाद भी अफसर को अन्य विभागों के चपरासी के साथ रखा जाता है वेतन के आधार पर। जहां अन्य विभाग अपने कर्मचारियों को जिस भी विभाग में हो, उदाहरण के लिए रेलवे, बस, बिजली, सब मुफ्त सेवा उनके व उनके परिवार के लिए है, वहीं एक बैंक कर्मचारी को लोन क्या बिना इंटरेस्ट रेट के भी नहीं मिलता। सम्मान कार्य हेतु सम्मान वेतन पाना हर एक कर्मचारी का मानवाधिकार है, फिर भी नहीं दिया जा रहा। वी बैंकर्स के द्वारा की गई डिमांड सेंट्रल पे कमीशन एकमात्र ऐसा समाधान दिखाई पड़ रहा है जिससे बैंक कर्मियों को वेतन बढ़ोतरी के लिए सालों साल इंतजार शायद ना करना पड़े, सम्मानजनक वेतन के लिए हड़ताल, धरना प्रदर्शन भी ना करना पड़े। वी बैंकर्स की इस कर्मचारी हितेशी मांग को समर्थन मिलना चाहिए हर बैंकर्स का, हर सभी बैंक यूनियंस का।